हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आई सर, ग्रेट सर। ओके, तो क्लास टेन के लिए आपका फिजिक्स में आपको मैं रिवीजन लगातार करवाया जा रहा हूँ। तो ये रिवीजन में आपका ये जो मैं कंडीशन दे रहा हूँ, ये कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ये कंडीशन एग्जाम में 100% पूछे जाने वाला है, ठीक है? तो 100% पूछा जाता है ये बोर्ड एग्जाम में। 2 मार्क्स का फिक्स है। ओके स्टूडेंट, 2 मार्क्स क्या है? फिक्स है, 2 मार्क्स पूछा तो 100% बोर्ड एग्जाम में तो बनेगा ही बनेगा, कोई एक क्वेश्चन बनेगा। मैंने लिखा है इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव और कॉनेस दो होते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं कॉन्केव की। तो कॉन्केव में ही केवल 6 होते हैं, उस 6 फॉर्मेशन है कॉन्केव की। कॉन्वेक्स के 2 फॉर्मेशन है। फॉर्मेशन जस्ट लाइक कि ऑब्जेक्ट को किस पोजीशन पे आपको हमने सिचुएटेड किया है और उसका इमेज कहाँ बन रहा है, उसका नेचर कैसा है, उसका पोजीशन कैसा है, उसका साइज कैसा है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने वाले हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट इनफाइनाइट। ओके, मान लो ऑब्जेक्ट कहाँ है? इंफिनिटी, इंफिनिटी। ओके स्टूडेंट, मान लो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ है, एट इंफिनिटी रखा गया हो तो क्या बनेगा? पहले बनाएंगे कॉन्केव मिरर। पहले हम लोग कॉन्केव मिरर बनाते हैं बच्चे। ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया कॉन्केव मिरर। ये हो गया बेटा कॉन्केव मिरर। ओके, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। इसे क्या बोलते हैं? पोल। इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ है? इनफाइनाइट पे। ये क्या है? इनफाइनाइट है। यही क्या है? इनफाइनाइट। और ऑब्जेक्ट रखा क्या है? इनफाइनाइट पे। वहां से जब ये ऐसे आएगा तो स्ट्राइक करेगा। ये रे क्या हो रही है? ऐसे रे आएगी, यहाँ स्ट्राइक करेगी। स्ट्राइक करने के बाद जिस पॉइंट को क्रॉस करेगी वही हमारा क्या बनेगा? फोकस। वही हमारा क्या बनेगा? फोकस बनेगा। और इमेज की जो साइज होगी यही हमारा क्या बनेगा? इमेज। यही हमारा इमेज बनेगा। ये होगा पॉइंट साइज। क्या होगा? पॉइंट साइज। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। तो अगर कोई आपसे पूछे पोजीशन इमेज, इमेज इमेज कहाँ बन रहा है, लिखोगे एट फोकस। जो इमेज है वो फोकस पर है, फोकस पर ही बन रहा है। अगर हम बात करें साइज की, तो साइज क्या है? साइज बहुत छोटा है। साइज क्या है? छोटा है। लिखेंगे पॉइंट साइज, ठीक है? पॉइंट साइज लिखेंगे। अगर हम बात करें कि जो इमेज हो गया, साइज हो गया, और एक हो गया हमारा नेचर। क्या होगा बेटा? नेचर। नेचर क्या होगा? अगर नेचर की बात करें स्टूडेंट, ये क्या होगा? रियल होगा। क्या होगा? रियल होगा। और इन्वर्टेड होगा। क्या होगा? इन्वर्टेड होगा। दिखाई दे रहा होगा, अभी आपको बता देंगे कि इन्वर्टेड रियल कैसे होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये कैसे बना है। तो जब ऑब्जेक्ट कहा है इनफाइनाइट पे, तो उसका इमेज क्या हो रहा है? फोकस पे। तो उसका इमेज फोकस पे है। साइज पॉइंट साइज है। नेचर क्या है? रियल इन्वर्टेड है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर यहाँ से वो डाउट रह गया है बच्चों, तो इसके आगे मैं बताने वाला हूँ। अब ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ है? इसको पास किया, तो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, सी होता है। ऑब्जेक्ट को और पास किया, ठीक है? जब ऑब्जेक्ट को और पास ले आएंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? अब मान लो टिप्पणी कर लेते हैं कान के मिलर। ये सेकेंड कंडीशन है बेटा, ये फर्स्ट वाली सेकेंड है। ऑब्जेक्ट कहाँ है? बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। इंफिनिटी और सी, इंफिनिटी और सी के बीच में ऑब्जेक्ट रखा गया है। देखो भी बनाता हूं मैं, ये पोल है और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है? यहाँ पे इनफाइनाइट है, यहाँ पे सी है। ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? इंफिनिटी और सी के बीच में। इंफिनिटी और सी के बीच में ऑब्जेक्ट है। अब ये क्या
जो दूसरा है वो ऐसे है, ऐसे आएगा इसी डायरेक्शन में और इसमें वापस हो जाएगा। ये ऐसी प्रॉपर्टी है कि रे सी, जब रे सी पे आता है तो यही से जाएगा तो यही वापस हो जाएगा, इसलिए अब दोनों जहां कटेगा वही हमारा क्या बनेगा, इमेज। ये बना था हमारा इमेज, ये वाला इमेज। अगर ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ ए और बी रखें, इसका नाम क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, ओके। तो ये रहा हमारा इमेज। अगर बात करें फॉर्मेशन की, तो जो इमेज है इमेज क्या हो रहा है, देखो इमेज सी और एफ के बीच बन रहा है, सी और एफ के बीच यानी को बिटवीन सी एंड एफ, इमेज क्या बन रहा है, सी एंड एफ। जो इमेज है वो सी और एफ के बीच में बनेगा एक साइज। अगर साइज की बात करें बच्चे, तो साइज क्या है, ये बड़ा है ये छोटा है, साइज क्या होगा, स्मॉल। साइज क्या होगा, स्मॉल होगा, ओके। अगर बात करें नेचर की, नेचर की बात करें बच्चे, नेचर क्या होगा, यही होगा, यही बात क्या होगा, रियल और इमेजिन, क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने दो प्रॉपर्टी आपको डिस्कस कर दी है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में था तो उसका इमेज फोकस बन रहा था, साइज पॉइंट था, नेचर रियल और इन्वर्टेड था। लेकिन सेकंड वाले में ऑब्जेक्ट इन्फाइनाइट और सी के बीच में रखा गया है और इसका जो इमेज है वो सी और एफ के बीच बन रहा है, साइज स्मॉल है, नेचर रियल और इन्वर्टेड होगा। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग और नजदीक लेके आएंगे। अब ऑब्जेक्ट का पोजिशन कहा होना चाहिए देखते हम लोग। अब ऑब्जेक्ट को और लिया एक्स सी, अब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां रखेंगे, एक्स सी, सी पर ही रखेंगे तो क्या होगा। अब ऑब्जेक्ट को और नजदीक ले आओ, फिर रखो कहां, सी पे। ये रहा हमारा काम, जो मिरर ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल और ये है इन्फिनिटी और ये है सी। ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया बेटा, सी पे ही रख दिया गया है। ऑब्जेक्ट पहले इन्फिनिटी था कि दोनों बीच में आया, अब सी पे ही है। जब सी पे रखेंगे तो इसका इमेज कैसे बनेगा, अब ध्यान देखना। था सी में था, अब ऑब्जेक्ट कहां रखा जाएगा, इसके ऑल पास,
ऑब्जेक्ट आर का क्या है सी, तो यहाँ पे ले लो सी, ये सी ऑब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ है। ओके अब ये है इंफाइनाइट, तो जब यहाँ से कोई एक रे कटाएगा तो मतलब कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा फोकस, ये क्या है बेटा फोकस है, दूसरा भी कहाँ जाएगा फोकस से, और ये कहाँ से। ओके तो ये रहा, जब ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा गया है तो एक रे यहां पे टकराएगा कि कहां जाएगा फोकस से, पता है दूसरा फोकस से जा रहा है, टकराए कहां आएगा इधर, तो ये रे और ये रे जहां काटेगा यहां क्या बनेगा, ये हमारा इमेज बनेगा। अगर इसका नाम ए और बी है, इसका नाम ए डैश और बी डैश हो जाएगा। ओके तो बात करें इमेज की, तो इमेज कहां बन रहा है देखो, सकते हो इमेज सी और इंफाइनाइट के बीच में, इंफाइनाइट सी के बीच में, लिखो यहाँ पे बिटवीन इंफाइनाइट एंड सी। अगर बात करें हम लोग साइज की, तो साइज बड़ा हो जाएगा, छोटा है ये बड़ा हो गया, तो साइज क्या हो जाएगा, साइज हो जाएगा लार्ज। ओके साइज लार्ज हो जाएगा, नेचर तो आपको पता है, नेचर क्या हो जाएगा रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। भाई दोस्तों आपको चार पॉइंट समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आके आपको दो पॉइंट और बताऊंगा, उसके बाद कॉन्वेक्स की बात करेंगे। ओके थैंक यू।